सूर्य कुमार यादव ने T20 क्रिकेट में एक ऐसी पारी खेल दी जिसके बाद गेंदबाज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि गेंदबाजों का थोड़ा तो लिहाज करो स्काई, कहां जाएंगे गेंदबाज, कहां गेंद डालेंगे, बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है सूर्य कुमार यादव ने। T20 क्रिकेट में अक्सर कहा जाता था कि स्लोअर वंस डालो, यॉर्कर डालो, वाइड यॉर्कर डालो, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने उन सब के लिए अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। गेंदबाज रो रहे हैं, कह रहे हैं अब हम कैसे खेलेंगे, क्या नियम में बदलाव करना पड़ेगा, क्या बैट्समैन कितनी दूर जाकर शॉट मार सकता है, इसको लेकर भी नियम बनाना पड़ेगा। सवाल बहुत सारे खड़े कर दिए हैं सूर्य कुमार यादव ने, क्योंकि गेंदबाज परेशान है। पाकिस्तान से लेकर वेस्ट इंडीज तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंग्लैंड तक सभी हैरान हैं। पूर्व क्रिकेटर हों या इस समय के क्रिकेटर हों, सभी लोग सूर्य कुमार यादव की तारीफ तो कर ही रहे हैं, साथ में कह रहे हैं कि गेंदबाज अब जाए तो जाए कहां। ये शॉट देखिए तस्वीरों में, सूर्य कुमार यादव की तुलना हम एबी डिविलियर्स से कर रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव के सामने एबी डिविलियर्स का नाम अब बहुत छोटा लगता है। छोटा क्यों लगता है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी 360 डिग्री प्लेयर है, एबी डिविलियर्स भी 360 डिग्री प्लेयर है, लेकिन एबी डिविलियर्स का स्कूप शॉट जो है वो सूर्य कुमार यादव से काफी अलग था। हम अक्सर बातें करते हैं कि एबी डिविलियर्स ने 360 डिग्री का ऐजाद किया, विकेट्स के पीछे बड़े बड़े छक्के मारना एबी डिविलियर्स ने लगाया, लेट कर छक्के लगाना एबी डिविलियर्स ने लगाया, लेकिन एबी डिविलियर्स कभी पिच के बाहर जाकर छक्का मारते थे ऐसा हमने कभी नहीं देखा था। लेकिन सूर्य कुमार यादव का यह छक्का देखकर सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि अब गेंद डाली जाए तो कहां डाली जाए। पिच पर डालेंगे तो छक्का पड़ेगा, पिच के बाहर डालेंगे तो भी छक्का पड़ेगा, क्या नियमों में बदलाव होगा, क्या बैट्समैन इससे ज्यादा दूर जाकर शॉट नहीं लगा पाएगा। हमने फील्डर को तो देखा है पलटी मारकर कैच पकड़ते हुए, डाइव लगाकर कैच पकड़ते हुए, लेकिन बल्लेबाज लेटकर छक्का मारता है ऐसा हमने कभी शायद पहले नहीं देखा था। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने हमें वो चीजें दिखा दी हैं जो शायद हमने क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं देखी थी। आपको शायद याद ना हो, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि 1744 में क्रिकेट के नियम लिखे गए थे और 1770 के आसपास उनमें संशोधन किया गया था। रोहित शर्मा का पुल शॉट है, पुल शॉट ऐड कर दिया गया था, लेकिन ये कौन सा शॉट है, इसका क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, ना किसी गेंदबाज को पता है, ना किसी बल्लेबाज को पता है, ना ही किसी क्रिकेट एक्सपर्ट को पता है कि ये ऐसे छक्का कोई भी बल्लेबाज कैसे मार सकता है। 51 गेंदों का सामना किया, 112 रन बनाए, 7 चौके लगाए, 9 छक्के लगाए। अब चौकों से ज्यादा छक्के कौन मारता है, सूर्य कुमार यादव मारता है। T20 क्रिकेट जब इजाद हुआ कहा जा रहा था कि शॉर्टर फॉर्मेट है, रन ज्यादा बन रहे हैं, 200 रन बनाना अब T20 टीम के लिए आम बात हो गई है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव अगर ऐसे ही बल्लेबाजी करेगा तो ये अकेला ही 200 रन मार देगा, क्यों गेंदबाज परेशान है आखिर। उसकी वजह भी यही है, क्योंकि जब शॉट्स का नाम दिया जा रहा था उसमें कवर ड्राइव, अपर कट भी डाला गया, पुल शॉट डाला गया, रिवर्स स्वीप भी डाल दिया गया, स्कूप शॉट भी डाल दिया गया, लेकिन कौन सा बल्लेबाज पिच के बाहर जाकर लेटकर छक्का मारता है, इस शॉट का ना तो नाम है और ना ही अभी तक क्रिकेटिंग बुक्स में इसका कहीं पर जिक्र किया गया है। अब सूर्य कुमार यादव ने एक ऐसा नया शॉट इजाद कर दिया है जिस पर बहस छिड़ गई है। वेस्ट इंडीज के महान गेंदबाज शाय होप ने ट्वीट करके लिखा, स्टॉप इट स्काई, मतलब बस करो सूर्य कुमार यादव, इससे ज्यादा गेंदबाज सह नहीं पाएंगे और सह पा भी नहीं रहे हैं। अगर T20 में अब 250 रन के आसपास का स्कोर टीम बना रही है तो फिर वनडे में 500 रन का स्कोर भी बनाना आम बात हो जाएगी, और अगर सूर्य कुमार यादव ऐसी ही बल्लेबाजी करते रहे तो फिर टीम इंडिया ये सोचेगी कि अकेला बल्लेबाज मारेगा और 500 रन टीम इंडिया वनडे में भी बना देगी और 300 रन T20 में भी आसानी से बन जाएंगे। अब सूर्य कुमार यादव के शॉट का क्या नाम है किसी को नहीं पता, अगर आपके पास इस शॉट का कोई नाम है या गेंदबाजों पर तरस आ रहा है, क्या ICC को अब नियम में बदलाव करना पड़ेगा कि बल्लेबाज कहां तक जाकर शॉट मार सकता है। अब पता नहीं सूर्य कुमार यादव कहां कहां पहुंचकर शॉट मारेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या अब नियम में बदलाव कर देना चाहिए, क्या सूर्य कुमार यादव से बचने के लिए गेंदबाजों पर थोड़ा सा तरस खाने के लिए ICC कुछ नया इजाद करेगा, या फिर सूर्य कुमार यादव एक एक करके हर टीम के गेंदबाजों की खैर बनाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।